a trader who erased the actual expiration date of food products and reprinted new expiration dates, was arrested here in Hyderabad by Langer House Police. Police seized 1.5 lakh worth of products. The detainee, Komati Lakshmi Narayana of Langer House, who was the owner of Jai Shri Ram agencies in Bapunagar, allegedly removed the expiration date from the packages of food products of Haldiram company with a diluent. After removing the date, he printed new expiration dates on the products and planned to deliver them in the market, said A.R. Srinivas, the Joint Police Commissioner, West. Based on a tip, Langer House Police raided the godown and seized property worth 1.5 lakh. A case was registered while Narayana was being presented before the court. ये एकदम ऐसा क्लीन करके उसको केमिकल से मैक्सी क्लीन फिनल ये केमिकल से क्लीन करके उसे उसके ऊपर से एक नया डेट मतलब 2018, 19 और 20 तो जितने भी प्रोडक्ट एक्सपायर्ड प्रोडक्ट्स हैं वो पूरे इकट्ठा करके उस पर जो कंपनी का उस पर स्टैम्प है एक्सपायरी डेट से वो सब एरेज करने के बाद निकालने के बाद केमिकल से नया डेट मतलब July 21 के डेट उस पर प्रिंट करके एक्सपायरी डेट प्रिंट करके फिर मार्केट में सप्लाई करने की प्रोसेस में हम इंफॉर्मेशन मिलने के बाद पुलिस रेड करके ये पूरा मटेरियल सीज करें और उस पर लक्ष्मी नारायण को अरेस्ट करें। इसमें ये सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो सोन पापड़ी है सब खोल के देखने के बाद इसमें पूरा फंगस इस तरह के पूरे ऑलरेडी डिस्ट्रॉयड आइटम्स हैं। ये मतलब बच्चे और कोई बड़े लोग इसमें अगर से खाने के बाद हो तो ज़रूर बीमारी होगा उनको कहीं नहीं बोल सके क्योंकि ये इन्फेक्शन अगर से ज़्यादा हुआ तो खतरनाक भी हो सकता है आदमी मर भी सकता है। इस तरह के मतलब जो भी आदमी करता है ये हम लोग स्ट्रिक्ट एक्शन लेंगे और ये लक्ष्मी नारायण को अरेस्ट करके रिमांड को ले जाए। लक्ष्मी नारायण सब डीलर है मतलब अकेले काम करते थे। हाँ मालूम हुआ है अकेला अभी इन्फॉर्मेशन अभी निकालेंगे तो नहीं मालूम कितने लोग और कर रहे हैं सर। कब से कर रहा साहब ये 10 साल से तो सब डीलर है तो मिला तो अभी ना ये तो बोल रहा कि अभी कर रहा हूँ लेकिन पहले भी कर चुका होगा जरूर। टोटली किताब क्या है जो दुकानदार है दुकान का मालिक है वो कई एक्सपायर होने के बाद भी इस तरह के प्रोडक्ट्स है इस तरह के लोगों को बेच रहे लग रहा हो तो इस तरह के लोग पूरा इकट्ठा करके फिर ये बदमाशी कर रहे लोग ये क्राइम है सर। टोटली अभी क्योंकि हेल्थ इसमें पूरा लोगों का इफेक्ट होता है तो इसमें दुकानदारों का भी हमारा यही राय है कि अगर से प्रोडक्ट एक्सपायर होने के बाद ये किसी के हाथ नहीं देना वो खुद डिस्ट्रॉय करना एक्सपायर होने के बाद यानी तो कंपनी हल्दीराम है कंपनी को वापस करना वो लोग पूरा इकट्ठा करके डिस्ट्रॉय करते लेकिन इस तरह मार्केट में बेच के फिर इस पर पैसा पागर से बनाने की कोई कोशिश कर रहा तो कानूनी है उनको सर। अभी टोटली कितने प्रोडक्ट्स इन्फॉर्मेशन तो हमारे को आए इन्फॉर्मेशन तो हम लंगर हाउस पुलिस स्टेशन को इन्फॉर्मेशन देके वहाँ से करवाएं। थैंक यू सर। थैंक यू। सब्सक्राइब टू अवर चैनल बाय क्लिकिंग द सब्सक्राइब बटन क्लिक द बेल बटन एंड एंजॉय द लेटेस्ट अपलोड्स फ्रॉम अवर चैनल।